सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर बढ़िया नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आप बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को बता दें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती को लेके एक ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे आ चुकी है, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो हम सभी को बेसब्री से इंतजार था कि भाई इसकी ऑफिशियल अपडेट आ जाए, जिसके बाद से सारी चीजें क्लियर हो जाएं, जिसके बाद हम बेफिक्र होकर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाएंगे। और सबसे मुख्य बात, मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी बातों पर ट्रस्ट किया, वो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपको कोई ऑफिशियल नोटिस या प्रूफ नहीं दिया था, बस मैंने आपको बोला था और आपने इस बात पे विश्वास किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा तो फ्यूचर में भी आपको हर एक इन्फॉर्मेशन एकदम रियल और ऑथेंटिक इसी तरीके से रेगुलर सबसे पहले मिलती रहेगी। आप किसी भी भर्ती का उठा के देख लिया, अगर आपको बोलते हैं तो वो बात आगे चल के सही निकलती है। तो आप सभी को पता है कि जो भी जितना हो सकता है भाई अपना बेस्ट एफर्ट होता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाए, जिससे कि आप अपनी आने वाली भर्तियों के लिए सही तरीके से तैयारी कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में आप सभी को पूरी अपडेट देते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में जो नोटिस वगैरह है वो कैसे आपको मिलेगा, वो सारी चीजें वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम जॉब है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये जो प्रीवियस ईयर वाली भर्ती थी इसने बहुत दिल दुखाया है बच्चों का। और लेकिन ये जो आपकी भड़ास है, जो अंदर ये जोश है, जुनून है, ये निकालने का मौका आपको मिलने वाला है 2024 में। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि भाई होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बोला था 2024 में वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, आप सभी को मैं ये नोटिस यहाँ पे दिखा रहा हूँ और ये RTI के द्वारा मांगी गई इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया गया है। सबसे मेन चीज होती है कि अगर किसी विभाग में पोस्ट वेकेंट नहीं है तो आपकी वैकेंसी आ ही नहीं सकती, लेकिन अगर विभाग में पोस्ट वेकेंट है तो सीधी सी बात है कि आपके लिए इससे बढ़िया खुशखबरी हो नहीं सकती। और मैं अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहा था, पहले मुझे जो जानकारी मिली थी वो 4000 प्लस लगभग 4853 पोस्ट के लिए मिली थी, जो कि मैंने आप सभी को पहले ही शेयर कर दी थी और आप सभी ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाया था और विश्वास दिखाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से। अगर आप डेट देखेंगे तो 19 फरवरी सन 2024 की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें इसका नंबर भी दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट देखेंगे सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो यहाँ पे 2005 जो RTI एक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे उसके तहत ये इन्फॉर्मेशन ली गई है। और यहाँ पे विद रेफरेंस नंबर एप्लीकेशन डेटेड यहाँ पे देख सकते हैं 23 जनवरी 2024 को एप्लीकेशन दिया था, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, जिसके बारे में ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर वन पे अगर देखेंगे पॉइंट नंबर वन पे, तो एज ऑन 23 जनवरी 2024 द नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रॉम कॉन्स्टेबल टू ACP एज अंडर। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि ACP से लेके कॉन्स्टेबल तक की जो भी पोस्ट वेकेंट है उन सभी की जानकारी यहाँ पे आप सभी को दी गई है। साथ ही में वैकेंसी कब आएंगी वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 6 पे आप देखो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टेबल की 9465 वैकेंसी खाली है, 9465 वैकेंसी अभी तक वेकेंट है, पोस्ट वेकेंट है। यानी कि जब विभाग में इतनी वैकेंसी खाली है तो निश्चित तौर पे आपकी वैकेंसी आनी है, जैसे मैंने आप सभी को बोला था बिल्कुल वही चीज यहाँ पे होने वाली है। बाकी का यहाँ पे सारी चीजें आप सभी को बताई गई हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस यहाँ पे देख सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से। यानी कि ये चीज कंफर्म हो जाती है कि दिल्ली पुलिस में अभी आपके पद रिक्त हैं, जिन पर आपकी 2024 में भर्ती आनी है। ये बात कर लेते हैं कि नोटिस आपको कैसे मिलेगा और कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, वैकेंसी कब आ सकती है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले आप सभी को बता दें कि देखो अभी RPF में आपकी वैकेंसी आई हुई है, जिसका 15 अप्रैल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो भी 10th पास की वैकेंसी है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई इससे पहले जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप सभी RPF के लिए अप्लाई जरूर करिएगा, और जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं वो SI के लिए भी अप्लाई करना है। यानी RPF कांस्टेबल एंड SI दोनों में 4660 वैकेंसी हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई करना ही करना है। और तैयारी करने के लिए कांस्टेबल के लिए आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्ट पेपर मिल जाएंगे, 41 सेट दिए गए हैं करंट पब्लिकेशन के, जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये मिल जाती है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी को प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाएगी 2019 के हल प्रश्नों सहित, जिसमें 22 सेट आप सभी को मिल जाएंगे कांस्टेबल के लिए करंट पब्लिकेशन की। अगर आप ग्रेजुएट हैं और SI के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो SI के लिए सॉल्ट पेपर भी आप सभी को मिल जाएंगे, जिससे कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं
जिसके टोटल 23 सेट आप सभी को दिए गए हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, और प्रैक्टिस वर्कबुक में 22 सेट आप सभी को मिल जाते हैं 2018-19 के हल्फ स्नो सहित 2024 के सभी लेटेस्ट एडिशन है किरण पब्लिकेशन के। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं या नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके इन बुक को आप खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आरपीएफ का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास, क्योंकि देखो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है, ये चीज एकदम से क्लियर रखो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी में आपको अभी से जुड़ना है, तभी आपकी जो ये ड्रीम है आपका पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पे इससे पहले ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है और तैयारी ढंग से कर लेनी है। बाकी का अगर मैं बात करूँ की यहाँ पे नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, अप्लाई कब से हो सकते हैं, वो सारी चीजें, तो देखो अब तक जो भी इंफॉर्मेशन दी है आप सभी को, देखो पहले क्या है कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती मैं आपको शेयर कर देता हूं, उसके बाद ऑफिशियल भी नोटिस आएगा, ऑफिशियल प्रूफ भी आएंगे जो कि आप सभी को जल्द ही मिल जाते हैं। जैसे कि वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, अप्लाई कब से हो सकता है, तो मैंने आप सभी को एक टेंटेटिव डेट बोली थी, मंथ बोला था कि यहां पे अगस्त 2024 या 2024 के अगस्त 2024 के बाद ये वैकेंसी कभी भी आपकी रिलीज हो सकती है। यहां पे सबसे मेन मैटर है अभी आपका लोकसभा इलेक्शन, और लोकसभा इलेक्शन से फ्री होने के बाद जो आपकी वैकेंट पोस्ट है उन सभी पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त के बाद ये इसका नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है, और आप सभी को पता है कि अगस्त 2024 में अगर इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तो आपको तैयारी करने के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा। इसी के साथ बहुत सारे लोगों का ये डाउट भी रहता है कि भाई एसएससी ने तो कैलेंडर में से शामिल किया नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो आप सभी को बता दें कि दिल्ली पुलिस जैसे ही डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को अपनी रिक्वायरमेंट बताती है, तो वो एसएससी के कैलेंडर में दोबारा से एक रिवाइज कैलेंडर जारी कर देते हैं, और इस रिवाइज कैलेंडर में आपको वो वैकेंसी एड देखने के लिए मिल जाती है। हर बार इसी तरीके से काम होता है, हर एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि ईयर के स्टार्टिंग में ही अपनी रिक्वायरमेंट भेज देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी वैकेंसीज होती हैं वो क्या है कि जाती रहती हैं, और जैसे ही वैकेंसी एसएससी के पास पहुंचती हैं एसएससी अपना कैलेंडर दोबारा से रिवाइज कर देता है और उन वैकेंसी को ऐड कर देता है। और यही चीज आपको दिल्ली पुलिस की केस में भी देखने के लिए मिलेगी कि आपकी जो वैकेंसी होंगी उसके लिए आपका कैलेंडर रिवाइज होगा और आपकी वैकेंसी ऐड होंगी। तो आप बेफिक्र होकर 2024 के लिए टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी बढ़िया हो सकती है। मैं आपको ये कंफर्म नहीं करूंगा कि 9465 वैकेंसी आएंगी, पोस्ट वैकेंट होना और नोटिफिकेशन आना इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि 9465 वैकेंसी है तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में नोटिफिकेशन रिलीज कर दें, लेकिन फिर भी अगर इतनी वैकेंसी है तो हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि भाई अगस्त तक आपकी 2-3 हजार वैकेंसी और वैकेंट हो जाएंगे, और 2-3 हजार वैकेंसी वैकेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में वैकेंट पोस्ट की संख्या लगभग 10-12 हजार होगी, और अगर ये आधी भी निकालते हैं तो 6-7 हजार के समथिंग आपकी वैकेंसी लगभग आ सकती हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी रहेंगी और तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बैक टू बैक वैकेंसी आना एक बड़ी बात है। आप सभी को पता है जनरली 2-3 साल के बाद आपकी ये वैकेंसी आती है, और जब लगातार वैकेंसी आएंगी तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं कम जाएगी और कॉम्पिटिशन भी आपका कम रह सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है, और आप सभी को बस ये टारगेट करके चलना है कि अगस्त 2024 में वैकेंसी आनी है और एक पोस्ट मुझे हर हाल में लेनी है। बाकी का अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो नोटिस के लिए मैं आप सभी को टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आप सभी को ये नोटिस भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके बाद आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप सभी से एक छोटी सी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप सभी अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप में से कोई भी करता हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, सिर्फ पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं आप सभी को एक बार फिर से कह रहा हूं, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो वास्तव में दिल्ली पुलिस के लिए सीरियस हैं, लेकिन उस बात को बिलीव नहीं करवाते, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपकी 2024 में वैकेंसी आनी है, आप उठा के देख लो। देखो मैंने आरपीएफ के लिए बोला, आरपीएफ की वैकेंसी आ गई, जिस दिन मैंने बोला था कि नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट वीक तक मिल जाएगा, फरवरी के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल गया। एसएससी सीपीओ का 4000+ वैकेंसी का बोला था, 4000+ आपकी वैकेंसी आई। साथ ही में मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, आरपीएफ के लिए हर कोई बोल रहा था नोटिफिकेशन फेक है, लेकिन मैंने आपको बोला था नोटिफिकेशन रियल है। दिल्ली पुलिस के लिए देख लो, 4853 मैंने वैकेंसी का बोला था कि आपकी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन कन्फर्म है, पोस्ट वेकेंट है, आपकी वैकेंसी आएगी, लेकिन लोगों का कहना था कि पद खाली नहीं है तो आएंगे कहां से। अब आपके सामने आरटीआई की इन्फॉर्मेशन मैंने रख दिया, आपको क्लियर हो गया कि 9465 जो पोस्ट है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंट चल रही है, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कंफर्म है। बाकी का तैयारी करना ना करना आप ही के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना। उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी जरूर करेंगे, तैयारी में जुटे रहिए, बहुत ही जल्दी वैकेंसी की जो भी जानकारी होगी वो आप सभी को और मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।